चीन एक रहस्यमय देश है, वहां क्या होता है ये उसके नागरिकों को भी पता नहीं होता। आजकल चीन में कोरोना से होने वाली तबाही पूरी दुनिया को फिर डरा रही है, लेकिन चीन चुप है। चीन ने दुनिया से क्या क्या छिपा रखा है, हम चीन के भीतर के अनसुने सच लेकर आए हैं जो धीरे धीरे दुनिया के सामने आएंगे। 2023 में चीन क्या करेगा? सीमा पर भारत के साथ युद्ध करेगा? साउथ चाइना सी में अमेरिका से भिड़ेगा? ताइवान, वियतनाम, हांगकांग, मकाओ की इकोनॉमी को चौपट करेगा या फिर ठीक करेगा? कोरोना से अपने लोगों को कैसे बचाएगा? युवाओं को रोजगार कैसे देगा? अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कैसे करेगा या फिर चीन कोलैप्स कर जाएगा? कोरोना में अपने लोगों को खोने वाले चीनी नागरिकों के गुस्से का शिकार हो जाएगा? चीन सुपर पावर बनेगा या फिर सुपर लूजर? 2023 का साल चीन के लिए और चीन दुनिया के लिए कैसा साबित होने जा रहा है, आइए समझते हैं हमारी खास सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन में। चीन में हर वर्ष एक जानवर के नाम पर होता है। 2022 शेर के नाम पर था और 2023 का साल खरगोश के नाम पर है। मान्यता है कि वर्ष जिस जानवर के नाम पर होता है उसका फल और असर भी कुछ वैसा ही होता है। चीन में खरगोश को दया, गरिमा और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। 12 जानवरों में से खरगोश सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। विश्वास है कि वर्ष किस्मत वाला और शांतिपूर्ण होगा, लेकिन क्या चीन का रुख खरगोश जैसा होगा या फिर आक्रामक और हिंसक? ।2023 में चीन दुनिया के लिए किस्मत वाला साबित होगा या दुर्भाग्यपूर्ण? चीन का इस वक्त कोविड कंट्रोल से बाहर है और पूरे देश में बहुत तकलीफ का माहौल है। उनको अपने कंट्री के अंदर कोविड को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, उनकी इकॉनमी बहुत बुरी हालत में है और इसलिए उनको अपनी यूएस चाइना रिलेशनशिप ठीक करने की ज़रूरत है। शी जिनपिंग ने एक नारा लगा दिया है, वो कहते हैं कॉमन प्रॉस्पेरिटी, कि सब लोगों को अमीर होना चाहिए। उस चक्कर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे टेंसेंट है, बायदू है, ऐसी कंपनी के पीछे पड़ गए हैं और उनको कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पे पार्टी यूनिट होनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने समस्याएं खुद पैदा की है। भारत के साथ जो चीन के ऐसे संबंध हैं, हमें ये मान कर चलना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं जैसी अभी हुई यांगत्से में बॉर्डर के LAC के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। G20 की प्रेसिडेंसी है तो दुनिया भर की जो एक तरह से फोकस है वो भारत पर पड़ा हुआ है और इसमें चीन कहीं पर ही ज़रूर कोशिश कर सकता है कि वो भारत को किस तरह से अपना जो राइटफुल प्लेस है वो ना लेने दे और किस तरह से भारत को एक नीचा दिखाया जाए कि भारत उस लेवल का प्लेयर अभी नहीं बन पाया है और चीन जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। ताइवान स्ट्रेट्स में तनाव बढ़ सकता है और चीन जो है वो फिर सैनिक कार्रवाइयाँ कर सकता है और युद्ध का खतरा वहाँ टलता नहीं है। चीन और जापान के बीच में भी काफ़ी तल्खी है और सेंकाकू आइलैंड के ऊपर, जहाँ की चीन अपने कई शिप्स लगातार सैकड़ों की संख्या में भेजता है, वहाँ भी तनाव जो है वो बढ़ सकता है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हांगकांग, ग्वांगझाओ और मकाओ, ये इसको बे एरिया जो कहते हैं, इसको वहाँ पे जो है आर्थिक तेजी लाई जाए। चीन और पाकिस्तान के संबंधों के ऊपर है कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोई कवायद की जाए जिसमें कि भारत को परेशानी हो और जो टू फ्रंट वॉर की संभावना है वो ज़्यादा आगे बढ़े, तो वो एक समस्या भारत के लिए बनी रहेगी।
चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और लोगों के अंदर एक हताश हो गए हैं, निराशा है। यूएस का जो ये सेमीकंडक्टर पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इससे कैसे झेला जाए? क्योंकि ये प्रतिबंध ऐसे हैं कि जिस दिशा में चीन जा रहा था कि हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी बनाने की ओर, वहाँ पर अब एक किस्म का प्रतिरोध आ गया है। रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, जो वॉर है, उसमें चीन का क्या रोल होता है? तो क्या रूस के ऊपर प्रभाव ये डाला जा सकता है, चीन के द्वारा दबाव डाला जा सकता है कि वो भारत के साथ अपने जो संबंध हैं उनको कम करे? अभी चीन के राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट गए और रियाद गए और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया, तो चीन जो है वो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को दुनिया के कई देशों में बढ़ा सकता है। उनके सामने एक और चैलेंज है, वो है इंडिया। अब दुनिया में ये बात चल रही है कि इंडिया जो है वो अब आगे बढ़ने वाला है, उसकी इकोनॉमी जो है स्पीड पकड़ रही है, और जो चाइना छोड़ना चाहता है वो इंडिया उसके लिए मौजूद है। पर ये ज़रूर है कि चीन कोशिश करेगा कि भारत का जो ध्यान है वो किसी भी तरह से डाइवर्ट किया जाए, और इसीलिए जो है लोग खतरा बॉर्डर का है। भारत के पास SCO की भी प्रेसिडेंसी होगी, तो वहां पर भी चीन जो है सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। तो क्या भारत में SCO की प्रेसिडेंसी में जो ऐसे मुद्दे आएंगे जब भारत इस बात पर आगे बढ़ाएगा कि टेररिज्म हो, रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, जो वहां से आ रहा है, सेंट्रल एशिया से आ रहा है, अफगानिस्तान और बाकी सेंट्रल एशियन देशों से आ रहा है, क्या वहां पर चीन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर भारत के एजेंडा को साइडलाइन कर पाएगा? अगले साल चीन कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी का डेमोंस्ट्रेशन दे जिससे कि वो ये साबित करने की कोशिश करे कि वो अमेरिका से भी उन चीजों में आगे निकल गया है। अभी ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वो साइबर अटैक हुआ, हो सकता है कि इस किस्म के हादसे हों। वो भी लोग कहते हैं कि चीन के जरिए हुआ है, तो एक किस्म का जिसको कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, मतलब हर वॉरफेयर जो है वो हर इलाके में हो पर उसका पता नहीं चलता कि ये वॉरफेयर है, क्या है, एक्सीडेंट है, असलियत है। चीन के लिए 2023 के शुरुआती दो महीने बहुत ही निर्णायक हैं। मार्च और अप्रैल महीने तक उस कोरोना लॉकडाउन से अपने लोगों को बाहर निकालना है, कोरोना की पाबंदियों से लोगों में हिंसक हो रहे गुस्से को शांत करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को कोरोना की कमजोरी से उबारना है, देश के लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है, मतलब चीनी नागरिकों को कूल रखना है और उनकी जेब को फुल करना है। माओ ज़ेडुंग के बाद सबसे ताकतवर नेता शी ने पार्टी कन्वेंशन में 2000 डेलीगेट्स को चेतावनी के लहजे में देश के लिए खतरों के प्रति सावधान और सतर्क रहने की बात कही है। हमें भविष्य के संभावित खतरों के प्रति सावधान रहना चाहिए और खराब से खराब हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। दावा है कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की इकॉनमी और जनता दोनों बेहाल हो चुके हैं। चीन में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। इन्हें काबू में लाने के लिए चीन भारत के साथ सीमा पर भिड़ रहा है। 2023 में यह बुझेगा या भड़केगा? चीन जो है बॉर्डर को इस्तेमाल कर रहा है केवल भारत को, किसी भी हालत में भारत को जो है उभरने नहीं देगा, कि भारत का जो अपना जो 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 मेहनत है, भारत की मेहनत जो है, भारत के डिफेंस के रिसोर्सेज जो हैं वो सब पहाड़ के इलाके में लगे रहे, और जो है हम महासागर की ओर
ना जाए, तो उसका ये मकसद है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये उसके जो है आंतरिक मामलों के साथ जुड़ा हुआ है, ये उसका खासकर सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। फॉरेन पॉलिसी में जैसे मैंने आपसे कहा, उसका मकसद ये है कि एशिया में केवल एक पावर होना चाहिए और वो है चीन, और वो समझता है कि एक ही और पावर है एशिया में जो कि उससे टक्कर ले सकता है, वो है इंडिया। और तो इसलिए वो चाहते हैं कि भारत को जो है सुई चोपते रहें, सुई चुभाते रहें, और भारत जो है इससे घबरा के जो है भारत और किसी दिशा में ना देखे, मतलब इंडो पैसिफिक की ओर या हिंद महासागर। ये साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान के लिए। हमको G20 की चेयर मिली है, और G20 की चेयरमैनशिप होने से पूरा साल ही लगातार बहुत सारे इवेंट्स हैं जो G20 के कारण किए जा रहे हैं। आज से 6 महीने पहले चीन ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर करी थी कि आप G20 का कोई इवेंट श्रीनगर में नहीं कर सकते, तो उनके विचार में इंडिया के लिए ये इंडिया की साख बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो कोशिश करेगा कि हमको इस साख को नीचे किया जा सके। 2023 में चीन में फरवरी और मार्च महीने तक चाइनीज स्टेट काउंसिल की सबसे अहम संस्था कंपोजिशन ऑफ न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण पूरा होना है। देश चलाने में उसकी भूमिका सबसे अहम है। मार्च महीने में 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनना है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बनना है। इसके साथ ही शी जिनपिंग सेना, सरकार और पार्टी के प्रमुख हो जाएंगे। इसके अलावा देश के लिए अहम इकोनॉमिक प्लानिंग, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय बैंक का प्रमुख कौन बनेगा, इसका फैसला होगा। इन तीन पद पर कौन आएगा, इससे बहुत हद तक चीन के साल भर के रुख का पता चलेगा। व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो चाइना का इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, आयात पे डिपेंड करती है। वो इस 2 साल में तकरीबन कम हुआ है, और इस साल और कम हुआ है, तो चाइना को अपना व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है और मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपनी जो मैरिटाइम क्षेत्र हैं, जैसे कि इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में, वहाँ भी हमें चीन की गतिविधियों से सावधान रहना पड़ेगा। पिछले दिनों में चीन ने श्रीलंका में अपने कुछ शिप्स भेजे थे, तो हो सकता है कि चीन हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कुछ गतिविधियां बढ़ाए। चीन में सेना, सरकार और इकोनॉमी को कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में लाना शी जिनपिंग की प्राथमिकता और मजबूरी दोनों है। शी जिनपिंग चीन में माओ त्से-तुंग के बाद सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। उनका लक्ष्य चीन को पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनाकर पेश करने का है। सिक्योरिटी ओरिएंटेड इकोनॉमी उनका सीधा और साफ रास्ता है। यही 2023 के लिए शी जिनपिंग का एजेंडा है। वहाँ पे जो है आर्थिक मंदी आ गई है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्थिक अगर वहाँ की इकोनॉमी बढ़ते ना रहे और वहाँ की जो मिडिल क्लास है वो खुश ना रहे, वो सबसे बड़ा खतरा है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो वो इकोनॉमी की ओर जो है सबसे ज़्यादा उससे घबराते हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं उसी चक्कर में कम्युनिस्ट पार्टी में विवाद ना आ जाए। नंबर 3 है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की समस्या। आजकल सुन रहे हैं कि वहाँ खासकर जो युवा लोग हैं वहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि लोग सड़क पे आ जाते हैं। चीन जैसे मुल्क में जहाँ की हर समय पार्टी जो है निगरानी रखती है, नियंत्रण जो है उसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहता कि किसी भी हालत में वहाँ के जो जवान युवा वर्ग है वो सड़क पर ना उतर आए। यूक्रेन युद्ध में रूस की भूमिका चीन के लिए 2023 में बड़ी चुनौती साबित होगी।
ठंड कम होने के बाद यूरोप रूस के रिश्ते नई दिशा में जाएंगे। तब चीन को अपनी इकोनॉमी को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए विदेश में विक्रेता भी चाहिए और खरीदार भी, इसलिए चीन को यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच अच्छा संतुलन बनाना होगा। अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता कि सीमा पर उसे मजबूत भारत का सामना करना पड़े। वो हमेशा चाहता है कि टैक्टिकल ऑटोनॉमी के नाम पर भारत अमेरिका से दूर रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हालात चीन की सोच से उल्टे हैं। ये बात ठीक है कि भारत के इतिहास में अमेरिका के साथ 1971 है, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में अमेरिका का सातवां बेड़ा हिंद महासागर में भारत के खिलाफ तैर रहा था। लेकिन 1962 में चीन के साथ भारत की लड़ाई में अमेरिकी हवाई मदद की पहल पर चीन को युद्ध रोकना पड़ा था। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस भारत के आर्थिक रिश्तों का विरोध अमेरिका ने किया, लेकिन भारत ने उन्हें खरी खरी सुना दी। ऐसे में साफ है कि अब न भारत पहले जैसा है और न ही दुनिया। चीन, अमेरिका, रूस और यूरोप सबके समीकरण बदल चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से इस समय चीन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो आपको रूस की तरफ से कोई प्रत्यक्ष रूप में कोई ऐसी मदद नहीं मिल सकती। डिप्लोमेटिक स्तर पर अमेरिका, आप क्वाड के मेंबर हैं, आप अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया क्वाड का मेंबर है। अब क्वाड जो है, सभी लोग चीन से त्रस्त हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्वाड का कोई भी मेंबर खुलकर आकर भारत की पक्ष में चीन की खिलाफत करेगा। अब गलती कह लो या भूल कह लो, फरवरी में शी जिनपिंग ने ये रूस के साथ कहा था कि हमारी एक ऐसी दोस्ती होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। अब जो है वो, मुझे लगता है कि चीन को लग रहा है कि वो वहाँ फंस गए हैं और उसका रास्ता नहीं निकल रहा है। रास्ता कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि रूस की जरूरत भी है चीन को। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका से दूर रहे या पास, रूस के करीब रहे और चीन को कंफ्यूज रखे। 1962 के युद्ध में चीन के खिलाफ भारत के साथ था अमेरिका, और जब 2002 में भारत ने अमेरिका से परमाणु करार किया तो चीन ने सिक्किम को भारत के हिस्से के तौर पर मान्यता दे दी। हालांकि 1971 के युद्ध में अमेरिकी नौसेना भारत के खिलाफ आ गई थी, तो रूसी पनडुब्बियों ने हमें बचाया था। लेकिन अब रूस से दोस्ती चीन को रोकने में सक्षम नहीं मानी जाती, क्योंकि रूस चीन पर निर्भर है। क्वाड से दूरी रखकर भारत चीन की नाराजगी घटा सकता है, क्योंकि क्वाड तो अमेरिका के हितों को पूरा करता है, लेकिन दूसरा पक्ष मानता है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया की मदद से क्वाड को हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है। जो लोग ये मानते हैं कि भारत चीन से सैनिक डिप्लोमेसी में कमतर है, उनकी सोच गलत है। चीन के जासूसी वाले जहाज को रोकने, साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में उसकी घुसपैठ रोकने के लिए भी भारत को मजबूत होना पड़ेगा। हिंद महासागर में काफी जगह पर 12-13 जगह में चीन अपने पोर्ट बना रहा है। ये जो BRI के अंदर पोर्ट बनाए जा रहे हैं, कुछ बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में दो जगह पर, हनमनरोटा ऑलरेडी बन चुका है, पोर्ट ऑफ कोलंबो बन रहा है ओमान में, फिर तंजानिया में, मोजम्बिक। सो ये पूरा उन्होंने पोर्ट्स बना रहा है जो वो जिसके ऊपर उनका उनको कंट्रोल करने की इच्छा है, और जिबूती में उनके पास ऑलरेडी एक बेस है। सो अगर हम ये कहें कि आज की तारीख में भी चाइना के पास 5 से 6 युद्ध पोत इंडियन ओशन में रहते हैं, तो और ये पोर्ट्स तैयार होते हैं, इसके बाद चाइना कोशिश करेगा कि अपने कुछ बेसिस इंडियन ओशन में और फैलाए। साउथ चाइना सी पर चीन की नीति पूरी दुनिया के लिए खतरे का बड़ा फ्लैश पॉइंट है। 2023 में वहां क्या होगा, इसे शी जिनपिंग के पिछले बयान से समझा जा सकता है। अपने सिद्धांत की जमीन पर हम रत्ती भर नहीं डिगे हैं, हमने कुशलतापूर्वक चीन की संप्रभुता की रक्षा की है। इससे साफ है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में
चीन अपनी आर्थिक बढ़त बनाने की कोशिश जारी रखेगा, वो दोनों ही जगहों पर दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने के मूड में नहीं है। सबसे पहली बात है कि ताइवान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चाइना के लिए। ताइवान भी स्पार्टली आइलैंड्स को मांगता है कि उनके इलाका में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है प्रतास आइलैंड है, जो ताइवान का आइलैंड है, और चाइना होता है वो हमारा होना चाहिए। ऐसे ही ताइवान के बहुत सारे आइलैंड दूसरे भी हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर चाइना चाहे और प्रतास आइलैंड को ऑक्यूपाई करता है तो ये एक लड़ाई के कगार में पहुँच जाएगा। एक तरफ तो कोशिश ये रहेगी कि चीन और अमेरिका के बीच में कुछ कम्युनिकेशन की वजह से आपस में कुछ तनाव कमने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से चीन के ऊपर पूरा दबाव बढ़ाएगा, जैसे कि उन्होंने अभी उनको कहा कि आप हमारे सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई सब बंद कर देंगे, और चीन उस तरफ से देखेगा कि किस प्रकार से ताइवान के ऊपर ये अमेरिका के जो हैं संबंध वो इतने प्रगाढ़ ना हो जाए कि चीन अपने आप को खतरा महसूस करने लगे। और अगर उसको लगा कि यूएस जो है वो बहुत एक्टिव हो रहा है तो वो सैनिक कार्रवाइयां भी कर सकता है। देखिए बचेगा, क्योंकि अभी भी लोगों का अनुमान है कि चीन की मिलिट्री के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो जो खाड़ी है, ताइवान की खाड़ी है, उसको पार करके एक ऑपरेशन ताइवान के खिलाफ करे। तो वही चाइना का क्या है कि अगर वो वहाँ युद्ध की कोशिश करे और एक तो नाकाम हो, अगर कामयाब भी हो, ताइवान में कुछ रह नहीं जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा, और उल्टा जो है उनको झेलना हो, क्योंकि अब तो जापान भी कह रहा है कि ताइवान के साथ युद्ध होगा तो हमें हो सकता है बीच में आला पड़े, क्योंकि हमारी भी सिक्योरिटी का मामला है और अमेरिका तो आएगा ही। जापान जो है अब बहुत तेज़ी से अपनी रक्षा की क्षमता बढ़ा रहा है, और 2-3 साल में भारत को भी पिछाड़ देगा कि जितना रक्षा खर्च जो उसका होगा वो भारत को भी पिछाड़ देगा उसमें। तो ये तो जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का मामला है ये करेगा, पर आखिर में चीन और चीन की पार्टी का जो मतलब केंद्र बिंदु है वो है इंटरनल पार्टी जो है वो कायम होनी चाहिए। उनकी इकोनॉमी अगर गिरती है तो उसके जो परिणाम होते हैं वो सीधे पार्टी के स्तर पे वो पार्टी नहीं झेलती। यहाँ तो ऐसा है कि ठीक है कोई पार्टी है, पार्टी अगर इलेक्शन हार जाएगी एक दूसरी पार्टी आ जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरी पार्टी आ जाएगी, पर वहाँ पे सवाल ये नहीं है, वहाँ कोई दूसरी पार्टी का सवाल नहीं है, एक ही पार्टी है और वो पार्टी अगर गई तो पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। चीन ने दुनिया में खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए अपनी भाषा और नीति दोनों बदली है। 20वीं पार्टी कांग्रेस के रिपोर्ट में शी जिनपिंग ने न्यू टाइप ऑफ ग्रेट पावर रिलेशंस जैसे शब्दों से बचने की बात कही है, जो वो पहले अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी दुनिया के देशों के लिए इस्तेमाल करते थे। इसकी जगह अब शी जिनपिंग का मानना है कि वो ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के जरिए ग्लोबल साउथ के साथ अपने रिश्ते विकसित करेंगे, जो 2021 और 22 में घोषित किए गए। ऐसा करके वो दुनिया भर में मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोरम पर ग्लोबल गवर्नेंस एजेंडा को प्रभावित करेगा और विकासशील देशों के ऊपर बीजिंग का प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। सबसे बड़ा तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है ही कि हमको वो नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ पर परमानेंट मेंबर बने। दूसरा, एनएसजी का मुद्दा काफ़ी समय से रहा है और अभी भी चीन की जो उसमें वीटो एक तरह से चलती है, क्योंकि वो कंसेंसस बेस्ड होता है, तो उसमें भी हम नहीं जा पा रहे हैं आगे। और उसमें अगर आप उसको बढ़ा दें तो जिस तरह से चीन अब एक पोलराइजेशन हम देखा है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें चीन जिस तरह से चीन अपना आर्थिक प्रभाव अपने आर्थिक प्रभाव को लेकर आगे बढ़ रहा है,
तो कहीं पर वो जो भारत के मुद्दे हैं या भारत के जो हित हैं उनको किस तरह से हानि पहुंचाई जाए, इस पर कार्यरत रह सकता है। और आगे आने वाले समय में क्योंकि ग्लोबली भारत की जो छवि है वो बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए सबसे बड़ी जो परेशानी चीन को हो रही है वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है, और वहाँ पर वो ज़रूर ही कोशिश करेगा आगे आने वाले समय में कि भारत सेकेंड टीयर पावर के रूप में ही देखा जाए, एक फ्रंट रैंकिंग पावर के रूप में देखा जाए। जबकि ऐसे समय में जब भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, CEO की प्रेसिडेंसी होगी और अभी अभी हमारी UNSC की प्रेसिडेंसी भी ख़त्म हुई है। देखिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन, एक तो ये है कि अपने रिश्ते जो है, ये जो मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं, अभी मालूम होगा शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया गए थे, सऊदी अरेबिया को अपनी वजह से जो है वो चाहता है कि अमेरिका को थोड़ा सा दूर रहे अमेरिका से, वो यूरोप के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। सुधार पाएगा या नहीं ये दूसरी बात है, क्योंकि यूरोप में भी लोग जो है अब थोड़ा सा सतर्क हो गए हैं कि यूरोप की कई कंपनीज जो हैं वो चीन के ऊपर निर्भर हैं। तीसरी कोशिश करेगा, पर अब वो कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है कि जापान के साथ रिश्ते कायम करना, पर उल्टा वहाँ पे जो खेल है जो उल्टा हो गया है। माना जा रहा है कि चीन जून और जुलाई महीने में अपने फ्लैगशिप ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा। बेल्ट एंड रोड फोरम की तीसरी मीटिंग जुलाई में संभव है। इसमें दुनिया के विकासशील देशों के प्रमुख चीन में इकट्ठा होंगे। तब चीन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल की अपनी विदेश नीति को मजबूती से दुनिया के सामने रखेगा। 2023 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नीति रहेगी कि वो अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर जाकर चीन के चंगुल में विकासशील और गरीब देशों को फंसाए, श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंसा कर छोटे राष्ट्रों को आर्थिक रूप से अस्थिर कर दे, अपने ऊपर आश्रित कर दे। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन को कॉन्फिडेंस, एसर्टिव और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो अपने इस आधुनिक उपनिवेशवादी एजेंडे को लेकर काफी तैयार हैं। घर के भीतर चीन की चिंता भी बड़ी है। चीन को लगता है कि उसका खतरा अंदर ज्यादा और बाहर कम है, लिहाजा घर के भीतर सत्ता को मजबूती से स्थापित करने वाले नरेटिव्स, प्रोपेगेंडा का बोलबाला रहेगा, कंट्रोल और सतर्कता की सोच जारी रहेगी। लेकिन कोविड अभी भी चीन का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।